वर्तमान समय में अगर COVID-19 पैंडेमिक की समस्या को अलग रख दिया जाए और दूसरी तरफ अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ नज़र डाला जाए तो वहाँ आप देखोगे कि चीन अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहा है वर्ल्ड पावर बनने के लिए, यानी कि ग्लोबल पावर बनने के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आज के इस दी करेंट अफेयर्स शो में हमारा सबसे बड़ा टॉपिक यही होने वाला है। आप सभी को पता है कि हमारा दी करेंट अफेयर्स शो नया इनिशिएटिव है जिसमें हम रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार दिन भर के सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर एनालिसिस करते हैं। आप अगर इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस दी करेंट अफेयर्स शो के माध्यम से कर सकते हो, जिसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सुझाव देने के लिए कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट खबरों के लिए या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी लाइक कर सकते हो। तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के दी करेंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में चीन ने ईरान के साथ 25 सालों के लिए एक समझौता किया है और यह समझौता जो है टोटल 100 प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है और टोटल $400 बिलियन का समझौता हुआ है। एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है ईरान और चीन के बीच। इससे US पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ईरान और US के रिलेशन आप अभी वर्तमान समय में कैसा है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और भारत पर भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हाल के दिनों में भारत और ईरान के रिलेशन जिस प्रकार से ख़राब हुए हैं और चाबहार रेल परियोजना जो कि ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक बनने वाला है, जिसमें भारत को अलग किया गया और उसके बाद चीन के साथ में जो ये समझौता हुआ उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और शुरुआत में मैंने ये क्यों कहा कि चीन ग्लोबल पावर बनने की तरफ अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है, लास्ट में हम उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम ये नज़र डाल लेते हैं कि जो रेल परियोजना बनने वाला था चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान तक, वो कैसे कैंसिल हुआ और किस वजह से कैंसिल हुआ उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। साइन हुआ था इस एग्रीमेंट पर 2016 में। इस एग्रीमेंट का नाम था चाबहार रेल परियोजना जो कि चाबहार पोर्ट से होकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाने वाला था, जो कि टोटल 628 किलोमीटर का यह रेल परियोजना था। और यह एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 देशों के साथ मिलकर, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और उस समय के घनी जो अफगानिस्तान के प्रमुख थे उनके बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। आप यहां से देख सकते हो कि ये ईरान का चाबहार पोर्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, और चाबहार पोर्ट को भी इंडिया ही डेवलप कर रहा है। अगर आप इसे लोकेशन वे में देखोगे तो चाबहार पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ चाबहार रेल परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं जिससे अभी ईरान ने भारत को अलग कर दिया है। वजह क्या दिया है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका कनेक्टिविटी कैसा होने वाला था और इस कनेक्टिविटी से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला था। तो यह जो रेलवे कनेक्टिविटी था चाबहार से होते हुए ये काबुल तक जाने वाला था 628 किलोमीटर तक। अब ये जो रेल परियोजना है भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर हम अभी अफगानिस्तान जाना चाहें या अफगानिस्तान में कोई प्रोजेक्ट लेकर आना चाहें तो अभी हमें पाकिस्तान के रास्ते होकर जाना पड़ता है, या फिर अगर जाना भी पड़ता है तो इंडिया से यहाँ ईरान और ईरान से यहाँ काबुल अफगानिस्तान, तो बहुत लंबा रूट तय करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने ईरान में चाबहार पोर्ट लिया, यहाँ पर डेवलप किया कि सबसे पहले चाबहार पोर्ट पहुँचा जाए और चाबहार पोर्ट से रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो, रेल की कनेक्टिविटी बेहतर हो और वहाँ हम अफगानिस्तान बेहतर तरीके से पहुँच सके। तो कहीं ना कहीं, और सिर्फ अफगानिस्तान रीजन नहीं है, जितने भी यहाँ मिडिल ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज हैं ना वहाँ तक हमारी जो पहुँच है आसान हो सके, इसीलिए ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर आया गया था 2016 में।
अब इस बात को समझिए, ईरान ने कहा है कि यह रेल परियोजना ईरान अकेले कंप्लीट करेगा, यानी कि भारत का इसमें जो सहयोग है वो अब नहीं लेगा, यानी कि भारत को इससे अलग कर दिया है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आखिर ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग क्यों किया, तो यहाँ पर बात आती है फंडिंग की। ईरान का कहना है कि भारत की तरफ से फंडिंग नहीं किया जा रहा है, और भारत की तरफ से इसका सहयोगी कौन था, तो भारतीय रेलवे कंपनी इरकॉन, और 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला था भारत इस प्रोजेक्ट में, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि भारत इस मामले को सुलझाने की अभी कोशिश कर रहा है, और ऐसा उम्मीद भी जताया जा रहा है कि भारत इस मामले को सुलझा लेगा, और इस प्रोजेक्ट पर जो है भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर ही काम करेंगे। तो उम्मीद है कि एक सकारात्मक पहल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, टारगेट भी ध्यान रखिएगा कि यह रेल परियोजना जो है 2022 तक कंप्लीट करना था, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था अब यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर चीन और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ है 25 सालों को लेकर। ईरान चीन को सस्ती कीमत पर तेल देगा, और इसके बदले चीन जो है यहाँ पर ईरान को बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगा, ईरान का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ईरान का जो रेलवे सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ईरान के जो पोर्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये टोटल प्रोजेक्ट्स जो होंगे 100 प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये 400 बिलियन डॉलर का होगा। बदले में ईरान चीन को सस्ती कीमत पर तेल उपलब्ध करवाएगा। तो अब यहाँ पर भारत का एंगल इसलिए आ जाता है क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन ने प्रेशर बनाया है ईरान पे कि जो रेल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस रेल प्रोजेक्ट को कैंसिल चीन के कहने पर किया गया है। तो अगर आप देखोगे जो मैंने ग्लोबल पावर वाला एंगल यहाँ पर डाला था, तो अब इस बात को समझिएगा कि ये एंगल कहाँ से आ गया। एक्चुअली देखिए, चीन ग्लोबल पावर तभी बन पाएगा जब यूएसए वहाँ से हटता है तब, और यूएसए अगर ग्लोबल पावर बनने से हटता है तो उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आज वर्ल्ड लीडर में अगर आप देखोगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे, तो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चाइना को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो भारत को नीचे दबाना ही होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत पे भी बहुत सारे प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना भारत को अलग अलग डिस्प्यूट में उलझाने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप भूटान के मामले में देख लो, चाहे नेपाल के मामले में देख लो, चाहे श्रीलंका के मामले में देख लो। तो चीन यहाँ पर दो तरीके से काम कर रहा है, एक यूएसए को उधर दबाने की कोशिश कर रहा है, और जितने भी कंट्रीज देख लो जिनका रिलेशन यूएसए से ख़राब है उसको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया और यूएसए रिलेशन अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को अपने मामले में ही दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड लीडर या फिर ग्लोबल पावर बनने की दिशा में चीन जो है कहीं ना कहीं अपना काम बखूबी बहुत ईमानदारी से कर रहा है। तो इतनी बातों को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ईरान के बारे में याद रखिएगा, इसका लोकेशन वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईरान जो है एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और ये आपको मिल जाएगा वेस्टर्न एशिया में, और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कैपिटल है इसका तेहरान, पॉपुलेशन 2018 के अनुसार 1.18 करोड़ है, इसका करेंसी आ जाता है ईरानियल, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी यानी कि पर्शियन। ये इसका आप लोकेशन देख सकते हो, ये ईरान है, इसके नॉर्थ साइड में आपको तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा, नीचे आपको पर्शियन गल्फ मिल जाएगा, इसके आप वेस्ट साइड में चले जाओ इराक मिल जाएगा, और इधर आपको ईस्ट साइड में मिल जाएगा क्या, अफ़गानिस्तान। हालाँकि यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ईरान का लोकेशन किस प्रकार से है। यहाँ पर एक सवाल भी है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ईरान अरब खाड़ी के किस दिशा में स्थित है। अभी जस्ट मैंने पीछे बता भी दिया है, फिर भी आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत सबसे पहला और अपने देश का सबसे लंबा नदी के अंदर सुरंग बनाने जा रहा है, और यह बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से, जिसकी लंबाई होगी 14.8
5 किलोमीटर और यह जोड़ेगा किसको, असम के गोहपुर से अरुणाचल प्रदेश के नुमालीगढ़ टाउन को, यानी कि असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र के नीचे से एक टनल बनाया जाएगा जो कि देश का सबसे लंबा टनल होगा, जिसकी लंबाई 14.85 किलोमीटर होने वाली है। इसका कंस्ट्रक्शन उम्मीद है कि इसी साल दिसंबर 2020 में शुरू हो जाएगा और लक्ष्य है कि 2022 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसको किसकी तरफ से डेवलप किया जाएगा, तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसको डेवलप किया जाएगा। वन डे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर एक फैक्ट यहाँ पर और मैं आपको बताऊँ कि दुनिया का सबसे लंबा पानी के अंदर का सुरंग कौन सा है, तो उस सुरंग का नाम है सिकन सुरंग, जो कि जापान में स्थित है और उसकी लंबाई लगभग 54 किलोमीटर का है और यह एक रेलवे सुरंग है। तो एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिएगा। इसका जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र आप देख लोगे चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होता है। इसका सोर्स जो है वो हिमालय है, कैलाश पर्वत के पास स्थित एक झील से इसका उद्गम होता है। इसका अगर टोटल बेसिन साइज आप देखोगे तो 7,12,035 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी सहायक नदियां अगर आप देखोगे तो जो मेन है वो तीस्ता नदी है, लोहित है, सुबनसिरी नदी आ जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाए गए हैं तो उसके बारे में याद रखिएगा। बोगीबिल ब्रिज जो कि हाल ही में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ढोला सादिया ब्रिज, इसके बारे में याद रखिएगा। नारा नारायण सेतु के बारे में याद रखिएगा। कोलिया भोमरा सेतु के बारे में याद रखिएगा। और इसके माउथ्स के बारे में याद रखिएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो ये गंगा के साथ में मिल जाती है, उसके बाद वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और गंगा में मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। तो खासकर इंडिया में अगर आप देखोगे तो 900 समथिंग किलोमीटर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, और ख़ासकर पूर्वोत्तर राज्य में ये प्रवाहित होती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जवाब जरूर दीजिएगा। वेयर इज़ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ लोकेटेड, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है, कोरोसूर दुनिया का सबसे सस्ता COVID-19 टेस्ट किट, जिसे कि डेवलप किया गया है IIT दिल्ली की तरफ से। तो बस वन डे एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, आप कोरोसूर कह सकते हो इसका नाम है, और इसको डेवलप किसने किया है, IIT दिल्ली ने। बहुत सस्ता है यह टेस्ट किट, 399 का यह टेस्ट किट है। IIT दिल्ली की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि आप देख रहे हो देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सस्ता किट उपलब्ध हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेस्टिंग किया जा सके। तो कोरोसूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करवाने में यहाँ पर मदद कर पाएगा, और यह अप्रूव किया गया है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। तो ये अप्रूव भी हो चुका है, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुका है, और सबसे सस्ता किट पूरी दुनिया का माना जा रहा है। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ICMR के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ जनरल है, क्योंकि COVID-19 महामारी चल रहा है, ICMR बहुत न्यूज़ में है। तो ये याद रखिएगा कि सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। तो ये है आपके डॉक्टर बलराम भार्गवा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। तो इतनी बातों को आप ICMR के बारे में भी यहाँ पर याद रखिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो जो मैंने बोला उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने कुछ शेयर बेचे हैं गूगल को, और गूगल ने भी इस पर सहमति जता दी है। रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं उसके 7.7% हिस्सेदारी को खरीदेगा गूगल, और यह 7.7% का हिस्सेदारी हो जाता है लगभग 33,000
737 करोड़ रुपए का, और यह हिस्सेदारी जो है रिलायंस इंडस्ट्री के जियो सेक्टर का बेचा गया है। और यह इसका जो टारगेट है हिस्सेदारी बेचने के पीछे का, लोगों तक चीप इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करवाना 4G और 5G, ताकि गूगल का अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आता है तो गूगल और जियो साथ मिलकर एक अच्छा काम कर सके। और इसीलिए गूगल ने भी जियो का शेयर खरीदा है ताकि इंडिया में एक अच्छा और सस्ता इंटरनेट की सुविधा पहुँचाया जा सके। और अगर आप पिछले 3 महीनों में देखोगे ना, तो रिलायंस ने लगभग 212,000 करोड़ का जो अपने शेयर्स हैं वो बेच चुका है इन कंपनियों के माध्यम से। और इस 3 महीना से पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री के लॉसेस की बात करें तो वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का था। तो अब आप कह सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, और ये दावा किया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का पहला ऐसा कंपनी बन चुकी है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर गूगल के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, गूगल के जो प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं वो कौन है, सुंदर पिचाई हैं, कब से हैं, 2 अक्टूबर 2015 को इन्होंने गूगल ज्वाइन किया था। गूगल को स्थापित कब किया गया था, 4 सितंबर 1998 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया था। इसका पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, याद रखिएगा अल्फाबेट। हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे मैंने बताया कैलिफोर्निया में है। गूगल के सब्सिडरीज कौन है, यूट्यूब है, google.org, फायरबेस, यूट्यूब TV, ये सब सारे गूगल के ही तो हैं। और इसको स्थापित किसने किया था, तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसको स्थापित किया था। तो इतनी बातों को आप लोग गूगल के बारे में भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो जो मैंने बोला उसके आधार पर आप यहाँ नोट्स बना लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का दी करेंट अफेयर्स शो, सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। वीडियोस पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।